दोस्तों, दिस गुड इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो सदैव हमें अपने अतिथियों का इंतजार करना सिखाती है। जी हाँ, आज का विषय है इंतजार करना। तो चलिए सीखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी, वेट फॉर या अवेट। वेट के साथ फॉर का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है, जबकि अवेट के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वेट के बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अवेट के बाद ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वेट फॉर के बाद लिविंग ऑब्जेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट चाहिए, अवेट के बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। यहाँ वेटिंग विदाउट ऑब्जेक्ट है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ वेट फॉर के बाद लिविंग ऑब्जेक्ट है। आई वॉज अवेटिंग योर अराइवल, मैं तुम्हारे आगमन का इंतजार कर रहा था। यहाँ अराइवल नॉन लिविंग है, जो अवेट के बाद आ रहा है, जैसा कि बताया गया है, निर्जीव है। इस प्रकार हमने दोनों शब्दों में डिफरेंस सीखा। लेट्स गो टू पैसेज विद ब्यूटीफुल वर्ड्स हियर। और इसमें वेट फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे हम भारतीय उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। वी इंडियंस आर वेटिंग फॉर अ पर्सन, वेट फॉर। वी इंडियंस आर वेटिंग फॉर अ पर्सन, लाइक अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हु वॉज अ विजनरी थिंकर। वैसे व्यक्ति का हम इंतजार कर रहे हैं जो वाजपेयी जैसा हो, क्योंकि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक विजनरी थिंकर थे, एक ऐसे विचारक थे जिन्हें भविष्य की चिंता ज़्यादा थी। हम भारतीय उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो वाजपेयी जैसा हो। संपूर्ण राष्ट्र ने उनकी मृत्यु पर मातम मनाया, लोगों ने यह नहीं देखा वे किस जाति के हैं, किस पार्टी के हैं। द इंटायर नेशन मॉर्न हिज डेथ। मॉर्न मीन्स मातम मनाना, शोक मनाना। पीपल अटेंडेड हिज फ्यूनरल्स, लोगों ने उनकी शव यात्रा में भाग लिया। फ्यूनरल मीन्स शव यात्रा। लोगों ने यह नहीं देखा वे किस जाति के हैं, किस पार्टी के हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास और पॉलिटिकल डिवाइड, लोगों ने जात पात से उठकर उनके फ्यूनरल में हिस्सा लिया। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इन दोनों शब्दों की जानकारी हासिल की। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।